कथा है जीसस के जीवन में कि वो एक गांव में आए और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुछ लोगों को बड़े उदास देखा, बड़े परेशान देखा, बड़े दीन दुर्बल। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम पे कौन सी विपदा आ गई? उन लोगों ने कहा, विपदा हम पे बड़ी आई, हम लोग बहुत घबरा गए, हमने बड़े पाप किए और हम नर्क से डर रहे हैं, हम थर थर कांप रहे हैं। अब मुसलमानों का नर्क खतरनाक तो होने ही वाला है, अगर नरक जाओ तो हिंदुओं का चुनना, वहां थोड़ी अस्त व्यस्त रहेगी, मुसलमानों का मत चुनना। अगर वहां कोई चुनाव हो तो भारतीयों का चुन लेना, जर्मन या इस तरह के लोगों का नरक मत चुन लेना, क्योंकि वहां बड़ी चुस्ती, वहां सब नियम की पाबंदी, वहां रुश्वत भी ना चलेगी कि जरा रुश्वत दे दी और आग से जरा बच गए, जरा ठंडी आग में डलवा लिया आपने, कुछ ना चलेगा। अब मुसलमानों का नरक, वो तो ठीक से सताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो तो बड़े धार्मिक रूप से सताएंगे। उन्होंने कहा, हम बड़े घबरा गए हैं, पाप बहुत किए, हम घबरा रहे हैं, हम कप रहे हैं, अब मरने का वन दिन करीब आ रहा है, दो जख्म पड़ेंगे, नरक में सड़ेंगे, तो हमें चैन नहीं। जीसस और आगे बढ़े, एक वृक्ष के नीचे उन्होंने और लोगों को बैठे देखा, वो बड़े आशा से भरे बैठे थे, लेकिन आशा में भी भय था, और उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, उपवास किए थे, धूप में शरीर को गलाया सताया था, रूख सूखे हड्डियां हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम पे कौन सी विपदा पड़ी? उन्होंने कहा, हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, नरक का भय है तो हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, हम पुण्य अर्जन कर रहे हैं, मगर फिर भी डर लगता है कहीं चूक तो ना जाएंगे। सब दांव पे लगा दिया, जीवन दांव पे लगा दिया, लेकिन स्वर्ग लेके रहेंगे, बहिष्ठ में पहुंच के रहेंगे, मगर उसी चिंता में हम परेशान थे, तनाव भी मन में बना है। जीसस और आगे बढ़े, उन्होंने एक तीसरे वृक्ष के नीचे कुछ लोगों को बैठे देखा जो बड़े मस्त थे, उनकी हालत बिल्कुल अलग थी, न तो नरक से घबराए थे जैसे लोग, वैसे भी न थे स्वर्ग के लिए लोभ से भरे लोग, वैसे भी न थे, वो बड़े मस्त थे, वो गीत गुनगुना रहे थे, नाच रहे थे, आनंद मग्न थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम बड़े खुश हो, तुम तो कोई विपत्ति नहीं आई? उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमने जान लिया ना स्वर्ग है ना नरक है, सब मन का खेल, दुख सुख दोनों ही मन की धारणाएं, दुख का आत्यंतिक रूप नरक है, सुख का आत्यंतिक रूप स्वर्ग है।